अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। इस वीडियो में हम CS 506 का लेक्चर नंबर 35, 36 और 37 देखेंगे। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेक्चर्स के अंदर, वो हम जो हैं डिस्कस करेंगे। सो जो बच्चे इस वीडियो पे न्यू हैं, वो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी इनकमिंग वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सकेगा और आप जल्दी वीडियो वॉच कर पाएंगे। सो लेट्स गो अवर टॉपिक। लेक्चर नंबर 35 के अंदर हमें जो है वो एलिमेंट्स का बताया हुआ, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था। डायरेक्टिव एलिमेंट्स हैं, स्क्रिप्टिंग और एक्शन एलिमेंट्स का यहाँ पर बताया हुआ है। आप लोगों ने इन तमाम एलिमेंट्स को माइंड में रखना है, इसके जो है वो MCQs आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स का बताया गया है। ये जो होते हैं JSP सिंप्लीफाई करते हैं, जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होती हैं JSP कोड्स की उनको, और ये जो हमें हैं वेरिएबल्स प्रोवाइड करते हैं। ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और आउट के हैं, और इनको यहाँ पे जो है डिटेल्स भी दी गई हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट वेरिएबल्स हैं। रिक्वेस्ट वेरिएबल्स जो होते हैं, ये वेरिएबल्स की टाइप जो होती है वो HTTP सर्वर रिक्वेस्ट होती हैं, और ये जो होते हैं ये वेरिएबल्स वो एसोसिएट होते हैं रिक्वेस्ट के साथ, और जो है रिक्वेस्ट पैरामीटर्स जो है हम एक्सेस करते हैं। उसके बाद इसके जो है रिक्वेस्ट टाइप में हमारे पास गेट पोस्ट मेथड्स आते हैं, और जो है हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट हेडर्स जैसे कि कुकीज़ होती हैं इनकमिंग में हमारे पास आती हैं। उसके बाद अगर रिस्पॉन्स वेरिएबल्स की बात करें, तो इसकी जो टाइप होती है वो HTTP सर्वर रिस्पॉन्स हैं। उसके बाद इसकी जो है रिस्पॉन्स टू एसोसिएट होते हैं रिस्पॉन्स टू क्लाइंट के साथ सेट करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं सेट करने के लिए HTTP स्टेटस को, और कंटेंट टाइप जो होती है इसकी वो रिस्पॉन्स हेडर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आउट का है, और ये जो है आउट JSP राइट ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ JSP राइट का, और इसको हम यूज़ करते हैं आउटपुट को क्लाइंट को आउटपुट सेंड करने के लिए, ठीक है। ये थ्री वेरिएबल्स थे हमारे पास जो कि इम्पोर्टेंट हैं MCQs के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी जो है इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास हैं उसका कोड यहाँ पे जो है वो सारा यूज़ हुआ हुआ, ये डायग्राम है, और इसका तमाम जो है वो यहाँ पे कोड शो करवाया हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ मज़ीद यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं, सेशन का, एप्लीकेशन का है, और कॉन्फ़िगर का है। हमारे पास सेशन का जो है उसकी टाइप जो है वेरिएबल्स की वो HTTP विद सेशन है, और ये इसको हम यूज़ करते हैं वर्क विद सेशन ऑब्जेक्ट्स के तौर के लिए। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन है, उनकी तमाम की टाइप जो है वो दिखाई गई हैं, और इनके जिस मकसद के लिए यूज़ होते हैं वो तमाम दिखाए गए हैं। तो आप लोगों ने इन तमाम वेरिएबल्स को, ऑब्जेक्ट्स को माइंड में रखना है, और इसकी टाइप जो है वेरिएबल्स की क्या टाइप है वो भी माइंड में रखनी है, और किस मकसद के लिए यूज़ हो रहे हैं वो भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। तमाम MCQs टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे पेज कॉन्टेक्स्ट का बताया हुआ है, और एक्सेप्शन का, और साथ में पेज का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे JSP डायरेक्टिव का जो है वो बताया हुआ है, कि ये जो हम जो है यूज़ करते हैं JSP डायरेक्टिव जो होती है कन्वे करने के लिए, स्पेशल प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन जो होती है उसके लिए जो पेज के मतलब जो होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर्स होता है हमारा सर्वर्स का परफेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे इसको कुछ जो है वो अनेबल जो है स्पेसिफाई पेज सेटिंग दिखाया गया है, और इंक्लूड कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज टू स्पेसिफाई कस्टमर टैग। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसके फॉर्मेट आते हैं, ये जो है डायरेक्टिव के फॉर्मेट तमाम कोई भी डायरेक्टिव जो है उसके लिए यही फॉर्मेट जो है वो यूज़ होते हैं। बस जस्ट फर्क इतना है कि यहाँ पे जो भी डायरेक्टिव का नेम होगा वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि पेज इंक्लूड है हमारे पास, तो इसकी जगह पे जो है इसका नेम आ जाएगा। थ्री टाइप्स के डायरेक्टिव्स पेज इंक्लूड और जो है टैली है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये तमाम जो हैं इनके फॉर्मेट भी यहाँ पे दिखाए गए हैं, पेज का, इंक्लूड का और टैली का, ठीक है।
पेज का सबसे पहले जो है वो पेज डायरेक्टिव जो है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसके यहाँ पे तमाम जो है ये कंट्रोल जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद इसकी जहाँ पे जो है लिस्ट दिखाई गई है एट्रीब्यूट्स की, जो कि जिसको हम पेज डायरेक्टिव्स के लिए के साथ यूज़ करते हैं, और इसको आप लोगों ने जो है वो तमाम एट्रीब्यूट्स को माइंड में रखना है और किस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं वो भी, ठीक है, ये वाले हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी जो है वो एग्जांपल दिखाई गई हैं यहाँ पे कुछ, और इसके टेम्पलेट वगैरह जो हैं वो यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है, इंपोर्ट के लिए, डिक्लेयर के लिए, जनरेट के लिए जो है तमाम इसके फॉर्मेट भी दिखाए गए हैं। देन हमारे पास इंक्लूड का है, बिल्कुल वैसे ही इंक्लूड की में जो है वो भी यूज़ हो रहा है। इसमें जो है हमारे पास नेविगेशन बार, टेबल, अदर एलिमेंट जो हैं उसमें इंक्लूड यूज़ करते हैं। इसमें ट्रांजेक्शन टाइम, ट्रांसलेशन टाइम आता है, रिक्वेस्ट टाइम आता है, और इसका ये है फॉर्मेट इसको राइट करने का, इंक्लूड फाइल की जगह पे यहाँ पे इंक्लूड का जो है ना, ठीक है, इन तमाम के फॉर्मेट जो जो हैं आप लोगों ने माइंड में रखने हैं, तमाम के फॉर्मेट जो कि एम सी क्यूज में पूछ सकते हैं कि जो है इंक्लूड का या फिर जो है क्या इसका फॉर्मेट है लिखने का, ठीक है, डायरेक्टिव का। उसके बाद इसकी यहाँ पे तमाम कोडिंग दिखाई गई हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी। देन हमारे पास इसका लाइफ साइकिल मेथड आता है, इसके लाइफ साइकिल में हमारे पास थ्री चीज़ें होती हैं, जैसे प्रिंट होता है, सर्विसेज और डिस्ट्रॉयर होते हैं, ठीक है, ये इसके लाइफ साइकिल में आती हैं चीज़ें। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 36 है, इसमें जो है जावा बीन्स के मतलब हमें बताया गया है, बाकी जो है यहाँ पे जो है एग्जांपल एक ली गई है, ठीक है, और इसकी यहाँ पे कोडिंग दिखाई गई है। देन हमारे पास जो है यहाँ पे तमाम कोडिंग ही हैं जावा बीन्स का, यहाँ से जो है वो टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जावा क्लासेज होती हैं जो कि डिज़ाइन के कन्वेंशन के लिए यूज़ करते हैं, तो जो है वो जावा बीन्स होती हैं, जावा बीन्स का जो है वो डिज़ाइन करने का जो तरीका है वो यहाँ पे बताया हुआ है, और उसको जो है कन्वेंशन जो इसके हैं वो ज़ीरो आर्ग्यूमेंट जो है कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, पब्लिक इंस्टेंस नॉट हैव एंड पब्लिक इंस्टेंस वेरिएबल सेट टू फील्ड, प्राइवेट वैल्यू जो होती है इसके सेट गेटर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है वो दिखाए गए हैं इसकी बुलियन डाटा टाइप जो होती हैं वो यूज़ होती हैं उसमें, बुलियन इज और सेट, ठीक है। उसके बाद इसकी कोडिंग तमाम दिखाई गई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डी ए हुए हैं, डी ओ स्टैंड फॉर डाटा जो है एक्सेस ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, इसको माइंड में रख रहे हैं, डी ए स्टैंड फॉर डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास जो है वो सारी कोडिंग ही आती हैं, ज़्यादातर कोडिंग ही हैं जो कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो है मैं हर लेक्चर्स में आप लोगों को यही बता रही हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग की, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं अब वो पेपर में आते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास ये जो है 37 अब जो है लेक्चर स्टार्ट होते हैं, इसमें एक्शन एलिमेंट्स और उसके स्कोप के मतलब जो है ये हैं, ये पीछे जो हम पिछले हैंड आउट्स में 36 में हम देख चुके हैं, 35 में ये जहाँ पे एलिमेंट्स का ही सारा जो है वो ये स्क्रीन छोड़ लिया हुआ है, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। जब हमारे पास एक्शन एलिमेंट्स यहाँ पे हैं उसके फॉर्मेट दिखाए गए हैं, एक्शन एलिमेंट्स जो हैं वर्क करते हैं जावा बीन्स के साथ, और जो है सिंटैक्स एक्सएमएल जो है सिंटैक्स यूज़ होता है, फॉर्मेट इसके तमाम यहाँ पे दिखाया गया, ओपनिंग बॉडी और क्लोजिंग के लिए, ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे कुछ जो है वो जे एस पी एक्शन एलिमेंट्स जो हैं बताए गए हैं, वर्क विद बीज के साथ और इंक्लूड सोर्सेज फॉरवर्ड वगैरह के, ये तमाम जो हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास जो हैं थ्री एक्शन एलिमेंट्स होते हैं जो कि जावा बीन्स के साथ वर्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें यूज बीन एक्शन एलिमेंट्स आता है फर्स्ट पे, और उसके बाद इसका फॉर्मेट यहाँ पे दिखाया गया है। इसके फॉर्मेट को आप लोगों ने ये जो है वो माइंड में रखना है किस तरह से जो है हम इसको राइट कर सकते हैं। ज़्यादातर इसके जो भी जितने भी फॉर्मेट हैं जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, उन तमाम फॉर्मेट को आप लोगों ने अच्छी तरह उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको माइंड में रखना है। मे बी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि जो है फ्लाई एक्शन एलिमेंट्स का फॉर्मेट राइट करें जो है, या फिर फॉर्मेट राइट वो हमें करके दिखा देते हैं, तो देन जो है हमें देखना होता है उसमें से क्या मिस्टेक्स हैं, तो वो हमने उसको करेक्ट करके राइट करना होता है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हैं कि अगर जे यू एस बी यूज़ बीन्स एक्शन एलिमेंट के बाद जो है वो इस तरह का जो है फॉर्मेट नज़र आता है। उसके बाद नंबर टू पे जो एक्शन एलिमेंट्स है वो सेट प्रॉपर्टी का है, नंबर थ्री पे गेट प्रॉपर्टी का है। सेट प्रॉपर्टी के लिए जो है फॉर्मेट ये वाला जो है फॉर्मेट यूज़ होता है इसको सेट प्रॉपर्टी एक्शन एलिमेंट्स को बनाने के लिए। और यहाँ पे इसके नेम प्रॉपर्टीज़ के इंस्टेंट ऑफ माय बीन यूजिंग जो है यहाँ पे जो है फॉर्मेट बताया। उसके बाद गेट का है और ये गेट का जो है फॉर्मेट बताया हुआ है यहाँ पे। इनकी तीनों की आप लोगों ने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और इसको माइंड में रखना है। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ सम बीन और जावा का एट्रीब्यूट्स बताए हुए, फर्स्ट नंबर से हैं कि रॉ सम का है, ठीक है। और उसके बाद कोडिंग है इनकी तमाम की, ठीक है। यहाँ पे हमें बीज ऑब्जेक्ट स्कोप का बताया हुआ, तकनीक जो टू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती हैं वो ये थ्री हैं तकनीक हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट और डायरेक्टली। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पेज का जो है वो यहाँ पे लिया गया है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, और इसमें कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं थी, डायग्राम थी और डायग्राम को जस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये वाला डायग्राम है और इसको नीचे सब सारे डायग्राम को ही एक्सप्लेन किया। इस तरह रिक्वेस्ट है हमारे पास, फर्स्ट को जो है वो इसके डायग्राम्स हैं यहाँ पे और इनको एक्सप्लेन किया हुआ, बस यही है इसमें, बाकी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। एप्लीकेशन है तो उसको डायग्राम के जरिए इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे समरी दी हुई है इसकी, एप्लीकेशन की और पेज रिक्वेस्ट की। यहाँ पे डिफर है सेशन और एप्लीकेशन स्कोप में, जो कि डायग्राम के थ्रू जो है ना इसको जस्ट इसका डिफर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ये एप्लीकेशन का और ये सेशन का, इन दोनों में जो डिफर है वो डायग्राम में शो हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्शन एलिमेंट जे एस पी हैं, इसमें टू इम्पोर्टेंट एक्शन एलिमेंट्स इंक्लूड और फॉरवर्ड का। इंक्लूड एक्शन एलिमेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं इंक्लूड फाइल के लिए रिक्वेस्ट टाइम पर, ठीक है। और यहाँ पे जो है इंक्लूड एक्शन एलिमेंट्स में जो है रिक्वायर्स टू एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड होते हैं, पेज का और फ्लैश का, ठीक है। यहाँ पे जो है पेज का हमें दिखाया गया है फॉर्मेट और ये उसका फ्लैश का, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड का यहाँ पे ये फॉर्मेट। उसके बाद हमारे पास फॉरवर्ड का आता है, फॉरवर्ड एक्शन एलिमेंट्स के अंदर जो होते हैं हमारे पास ये, इसका फॉरवर्ड एक्शन एलिमेंट्स का ये फॉर्मेट होता है इसको राइट करने का, ठीक है। जे एस पी डॉट फॉरवर्ड पेज इज इक्वल टू वन डॉट जे एस पी। ये छोटे छोटे जो फॉर्मेट हैं ये एम सी क्यूज बन सकते हैं, और जो बड़े फॉर्मेट हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है
लेक्चर नंबर 38 है जो कि हम कस्टमर टैग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। सो जो बच्चे इस वीडियो पर न्यू हैं वो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जितनी भी फिर लेक्चर्स होंगे इनकमिंग वो आपको फौरी मिल सकेंगे और आप जल्दी वॉच कर पाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में बताया करें कि वीडियो कैसी लगी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।